नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के अनिल टेक्निकल चैनल में मैं अनिल बिरारी आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। जय दोस्तों, हमने लास्ट टाइम SBI येस बैंक की हमने टेक्निकल एनालिसिस की थी, पूरा वीडियो आपने देखा होगा। बैंक निफ्टी के ऊपर भी मैंने अच्छा एक पोस्ट दिया था, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वो आप वीडियो देख सकते हैं, अच्छी आपकी लर्निंग होगी। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि मैं जब भी ऐसे कोई नॉलेजेबल वीडियो डालूँ तो उसको आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया तो आपको पूरी तरह से उसका टेक्निकली चीज़ें समझ में नहीं आएगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस। बहुत सारे लोग गलत तरीके से ड्रॉ करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो इस वीडियो को आपको एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने एंड में एक अच्छा बोनस रखा हुआ है और वो आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वक्त न गवाते हुए, तो जाते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मैंने निफ्टी बैंक का मैंने यहाँ पर चार्ट निकाल के रखा हुआ है, और यहाँ पर अभी हम जाएँगे इसको, इस चार्ट को हम बड़ा कर लेंगे। तो एग्जैक्ट हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो उस हम वीडियो को में पूरा एंड तक देखिए देखेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत लोगों को निकालने आता है, लेकिन बहुत लोग गलत तरीके से निकालते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि गलत ड्रॉ करने की वजह से उनके बहुत सारे टारगेट या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर पूरे अच्छी तरीके से हम स्टॉप लॉस और टारगेट यानी रेजिस्टेंस सपोर्ट जिस तरह से हम रखते हैं तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका पूरा हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले देखिए, मैं यहाँ पे पहले कैंडल्स बार्स कर लेता हूँ, यानी आपको आसानी होगी। यहाँ पे देखिए कैंडल्स बार आपको पूरी तरह से दिख रहे होंगे, अभी हम इसको पहले बड़ा कर लेंगे ताकि देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा चार्ट को यहाँ पर बड़ा कर लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है पूरा, तो बैंक निफ्टी में हम पहले यहाँ पे पूरा देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमको क्या करना है, पहले हमें पूरी तरीके से उसको जूम कर लेना है, ठीक है। हम जितना चार्ट हमें छोटा पहले दिखाई देगा उतना हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हम अच्छी तरह से हम ड्रॉ कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, आपको मैं ये आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंड लाइन जो है इस साइड में, तो ये ट्रेंड लाइन को आपको यहाँ पे आपको पहले निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर इसको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरा जो प्लेटफॉर्म है ये अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म है, अपस्टॉक प्रो वर्जन जो न्यू वर्जन आया हुआ है 3.0 का, बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर किसी को अपस्टॉक के अंदर अकाउंट खोलना हो तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, तो वहाँ से आप आसानी से खोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पहले कलर चूज़ कर लेना है, जैसे मैं अभी यहाँ पे रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए बहुत आसानी से जहाँ पर भी आपका हमारी जो कैंडल स्पीकर जो स्टिक होती है, ठीक है, देखो यहाँ पर देखिए हम लोग अभी यहाँ पर एक ऐसा निकालेंगे, ठीक है। ये हमने एक पहला रेजिस्टेंस इसको हमने ऐसे निकाल लिया है, उसी तरह हम जहाँ पे सपोर्ट्स पूरे का देखते हैं जाके दो, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सपोर्ट का मीनिंग होता है कि मिनिमम हमारे दो पॉइंट्स, दो से ज़्यादा पॉइंट्स अगर टच होते हैं तो बहुत बढ़िया माना जाता है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहते हैं हम उसे। तो यहाँ पर देखिए आपको ये 4 आवर घंटे का चार्ट है, और हम अगर पीछे भी जाना चाहेंगे तो हमें पीछे भी हमको दिख सकता है। देखो पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, आपको पहले मैं पीछे लेके जाऊँगा। यहाँ पे देखिए, आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखिए ये जो मैं आपको यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो मैंने निकाला है यहाँ पे, ये किधर ना किधर आगे चल के ये पूरा सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। जैसे ही हम फर्स्ट सपोर्ट जो निकलते हैं वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, और सपोर्ट तो रेजिस्टेंस बन जाता है, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी हम 4 घंटे के ऊपर यहाँ तो हमें कुछ भी पीछा भी नहीं दिखा है, ठीक है। तो हम लोग पहले अभी फिर से 30 मिनट के कैंडल के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे आपको क्लियर नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर अभी हम लोग ने 30 मिनट का चैनल निकल लिया हुआ है, और यहाँ पे हम अभी देखेंगे कि किस तरह से प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको निकालना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम अभी बोल सकते हैं ये जो तुम्हारा ये पोर्शन है, यहाँ पे दो हमारे पॉइंट टच हो रहे हैं, ठीक है, तो हम इसे हम अपना को इसको हम अपना इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस इसे हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं सपोर्ट निकाल रहा हूँ,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ कलर, यहाँ पे मैं ग्रीन ले लेता हूँ सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये ग्रीन सपोर्ट देखो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है ग्रीन, तो ये आपका हो गया सपोर्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे अंदर भी हम लोग, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्लियर, देखिए यहाँ पे हमारे दो पॉइंट टच हो रहे हैं और हमारा आसानी से हम लोग यहाँ पे भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे सपोर्ट भी था, और जैसे ही ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम निकालोगे तो यहाँ से जो पहला रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा, और सपोर्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इस तरह से उसका शेयर का जो भी चाल चलन होता है वो बराबर आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हिट करता ही करता है। ये बहुत ही जो लोगों को सच में प्रैक्टिस अच्छे किए हैं, जिन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरह निकालते हैं, वो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आपने इस तरह से हमने निकाला, अभी हम यहाँ पे भी और एक निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग क्लोजिंग सपोर्ट बोल सकते हैं उसको, या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे दो तीन पॉइंट हमारे यहाँ पे टच हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे और एक हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। आया समझ में दोस्तों? अगर इसे आप बड़ा करना चाहते हो तो आप बड़ी तरह करने से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत क्लियर और आसानी से आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरे क्लियर दिखते दिखते होंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं 2 मिनट, ये जो है आपको यहाँ पे, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर मैं अभी ये जो है आपका, ये हमने निकाला था ये, ठीक है, ये नहीं है, ये गलत हो गया थोड़ा, इसे हम कैंसिल कर देंगे। हाँ, ये जो हमारा है ये इसे हम, ये हमारा एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये जो हमारा है ये, इसे हम प्रॉपर रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, इस तरह से आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर प्रॉपर आप ड्रॉ कर पाओगे तो आप आसानी से बहुत बढ़िया तरीके से आप टारगेट और स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने अच्छा आसानी से टारगेट स्टॉप लॉस के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम अच्छे तरह से निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालना है। देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको ये प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट में, जैसे ही आपको एक कर्सर के नीचे यहाँ पे एक आपको ऑप्शन आएगा, तो ये आपको जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल रे हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक कलर दिख आएगा, बॉक्स आए, कलर का बॉक्स आएगा, वो बॉक्स को आप देखना है। जो भी आप चूज करोगे तो कलर, जैसे कि मैंने ग्रीन किया था तो ग्रीन आ गया, रेड किया तो रेड आओगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जहाँ पर भी दो या तीन पॉइंट जहाँ पे मैच होते हैं, टच करते हैं, उसके आप बरोबर सेंटर पे आपको निकालना है उसका हॉरिजॉन्टल लाइन, और वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करने हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ये न्यू ट्रिक है सपोर्ट रेजिस्टेंस, हम कैसे एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालें। बस मैं फिर से कहना चाहूँगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, सपोर्ट बोले तो क्या, जहाँ पे हमारे दो कैंडल के विद, ठीक है, और कैंडल जहाँ पे सपोर्ट लेती है, दो और तीन पॉइंट भी हमारे टच होते हैं उसे हम स्ट्रांग सपोर्ट कह सकते हैं। तो वहाँ से वो सपोर्ट हो जाता है, और उसी जैसे ऊपर की तरफ जाओगे, ऊपर अगर कैंडल को रेजिस्टेंस आ रहा है, दो पॉइंट या तीन पॉइंट भी मैच होते हैं तो उसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसकी जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका वो प्रैक्टिस आपका होते जाएगा, और आप परफेक्ट आप हॉरिजॉन्टल लाइन आप निकाल सकते हो, आप डायरेक्टली उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छी तरह से ड्रॉ कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम वीडियो को यही करेंगे वाइंड अप। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि फर्स्ट सपोर्ट फर्स्ट सेकंड फर्स्ट फर्स्ट सपोर्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड सपोर्ट सेकंड रेजिस्टेंस, इस तरह से हमको नीचे कैसे आना है, और ये प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग सपोर्ट और क्लोजिंग रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये पूरा डिटेल मैं अगले वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और मैंने लास्ट में बोनस बताया था दोस्तों कि एक्चुअली हमारे साथ में अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से 3 कॉल आपको फ्री दी जाती है 1 वीक तक। ठीक
ठीक है दोस्तों, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। हमारी एक्यूरेसी जो होती है 80-90% एक्यूरेसी होती है, हम ज़्यादा ट्रेड नहीं प्रोवाइड करते हैं, सिलेक्टेड ट्रेड प्रोवाइड करते हैं। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो हमारे साथ आप स्टॉक के अंदर अकाउंट खोल सकते हैं और हमारी ये सर्विस का फ्री में लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद देता हूँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।